नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में इस वक्त मौजूद हैं और पर अफसर खान से जानेंगे और ललित यादव का क्या स्थिति है, उन सभी बातों में इनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका। अफसर खान जी, स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सबको मेरा सलाम और नमस्कार, और आपको भी और आपके चैनल को भी दिल से धन्यवाद कि आप आए। देखिए, कहना क्या है, अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है और चुनाव के माहौल में हम लोग की सभी लोगों की यही कोशिश है कि जो सही नेता है उसका सपोर्ट करे, उनको वोट दे और उनको लेके आए। और हम लोग ने बैठ के ये डिसाइड किया, जो देखा इतना सालों से, छोटे से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग का मनीगाछी में एक ही नेता है, वो है ललित यादव। अच्छा, ठीक है, न वो हिंदू देखता है न मुसलमान देखता है। अच्छा, ठीक है, वो भाईचारगी का मैसेज ऐसा देते हैं कि हमारे मनीगाछी में पूरे में आज तक कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। अच्छा, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं है। आपको तो लगा कि नहीं कि हाँ ललित यादव करते हैं ऐसा? नहीं नहीं, दूसरे लोग नहीं। अरे काफी, देखिए हर लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते। हमारे जो विधायक हैं, जो ठीक है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ और उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि ललित यादव जी को मैं छोटे से देखते आ रहा हूँ। अच्छा। कि हम लोग के गाँव के, हम लोग के ब्लॉक के वो थे विधायक और हैं, और इंशाल्लाह हम लोग की दिली दुआ है कि वो आगे भी रहे और भी आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं। तो आपके विधानसभा में उनके आने से क्या बदलाव हुआ, क्या लग रहा है? बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले देखिए, आज के डेट में लोगों को क्या चाहिए, जो माहौल चल रहा है हिंदू और मुसलमान, ये हमारा मनीगाछी में नहीं है, सब एकदम नहीं है, सब भाईचारगी है। मैं खुद सोशल वर्क इंसान हूँ, मैं अभी जब से मैं यहाँ हूँ 2 महीने से पठान गवई में गाँव में हूँ, मैं पूरा मनीगाछी घूम रहा हूँ। अच्छा, प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हाँ, मैं विधायक जी के लिए, मैं जहां तक हो सकता, देखिए मालिक तो जनता है, ठीक है, हम लोग का काम है बीच में लोगों के बीच में बात रखना, क्या सही क्या गलत, वो बड़े हुए उनको देखते हुए बड़े आए, उनका काम, उनका स्टाइल, उनका भाईचारगी को हम लोग सीख के आज उनको सलूट मारते हैं। अच्छा, ये लगा होना चाहिए, आपकी नजर में जो बातें आप बता रहे हैं, क्या लग रहा है ललित यादव को फायदा मिल रहा है उस चीज का? एकदम मिलेगा और मिलते आया, 6 बार से वो यहाँ के विधायक हैं और आज उनको पार्टी ने एमपी का टिकट दिया है, और जो हमारी जनता है वो तो मालिक है, और मुझे पता है, इतना भरोसा है कि इस बार वो यहाँ से फिर जीतने जा रहे हैं और एमपी बनेंगे इंशाल्लाह। ये हम लोग की दिली दुआ भी है और हम लोग का सपोर्ट भी है और हम लोग साथ भी है। तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की है, कैसी मुलाकात, कहाँ पर हुई और क्या सब बातें हुई, क्या गुफ्तगू की उनसे? जी, उनसे इनसे पहले भी मेरी 2 बार मुलाकात हुई थी, तो उस टाइम में काफी बात नहीं हो पाई थी, मगर इस बार तो हम लोग ज्यादा देर तक साथ में थे, एक ही रूम में थे, और थोड़ा राजनीति के मुद्दे में भी बात हुई, वो सब बात जो है उनसे जो क्या बात हुई मैं यहाँ पे आके शेयर नहीं कर सकता मीडिया में, ठीक है, इसलिए कि वो भी एक युवा नेता है और अच्छे नेता है, बोल्ड, हम लोग लाइक करते हैं उनको कि वो आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं, थे और है, और आने वाले जो मतलब अगला साल तक इंशाल्लाह 1 साल का हम लोग को वक्त है, आने वाले दिन में हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री CM वही है, और हम लोग उनको दिल से क्या पूरी मतलब पूरा बिहार उनको लाइक करता है। अच्छा, तो ये NDA वाले बनने देंगे क्या मुख्यमंत्री, लग रहा है? वो क्या नहीं बनने देंगे, वो खुद नहीं कुछ बन सके तो वो उनको क्या रोक सकते हैं। अच्छा, ये बताइए गोपाल जी ठाकुर की स्थिति क्या लग रही है? देखिए गोपाल जी कहीं कि नहीं कहीं, देखिए गोपाल जी ठाकुर को बिहार की जनता, ठीक है, दरभंगा की जनता उनको जवाब दे रही है, उनको रुकने नहीं दे रही है, वो जहां भी जा रही है उनको विरोध कर रहे हैं लोग। अच्छा, ठीक है, मैंने जहां पे देखा 3-4 तो मीडिया में मैंने देखा कि उनको काला झंडा दिखला के उनको भगा दिया जा रहा, रोका नहीं जा रहा। अरे कोई भी नेता हो एक बार धोखा देगा, और हमारे विधायक ललित यादव जी 6 बार से विधायक है, ठीक है, और काला झंडा नहीं दिखा, मनीगाछी की जनता उनको प्यार करती है, चाहे वो किसी धर्म से हो, हिंदू हो मुसलमान हो, मैंने ऐसे नेता, ललित यादव जी ऐसे नेता है, बोल्ड नेता, बोल्ड, ठीक है, उनको मनीगाछी में आने से थाना ब्लॉक सब कुछ मतलब अपने सिस्टम से चलता है, किसी के साथ अत्याचार नहीं होता है, वो नहीं होने देते हैं, वो नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि गोपाल जी ठाकुर का जो गलती है या फिर काला झंडा की बात आप कर रहे हैं, तो ये सब भारी पड़ने वाला है? गोपाल जी ठाकुर को शेर से मुकाबला हो गया, ठीक है, शेर है ये ललित यादव, शेर है ललित यादव जो है मनीगाछी के शेर है, और उनको इस बार जो है मनीगाछी के शेर रहने से थोड़ा जीत जाएगा, लोकसभा 6 विधानसभा है भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीतने वाले मोदी टक्कर है, मोदी लहर है, इसमें कहाँ जीतने वाले हैं? मोदी जी गोपाल जी ठाकुर के लिए आके प्रचार किए, क्यों किए? अगर गोपाल जी ठाकुर उस लायक होते हैं, अच्छा,
ठीक है ना, तो उनके लिए हम एक पीएम आके प्रचार करके जा रहे हैं, इसलिए करके जा रहे हैं कि गोपाल जी ठाकुर का हालत ठीक नहीं है। अच्छा, हालत ठीक नहीं है, वाह बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए गोपाल जी ठाकुर को इस बार, गोपाल जी ठाकुर को इस बार सही मर्द से पाला पड़ गया, ठीक है, और सही मर्द से, इतने दिन किस क्या महिला से पाला पड़ता था। इससे पहले गोपाल जी ठाकुर को ऐसे नेता से मुकाबला नहीं पड़ा था, और इस बार जो पड़ा है उनको लोहे का चना चुबा देना पड़ेगा। और ललित यादव को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं सारी जनता जितनी भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सब सारे धर्म के लोग ललित यादव जी को वोट दीजिए, और हजारों से नहीं लाखों से उनको उनको जिताइए। मैं उनके साथ में रहता हूँ, मैंने देखा हूँ कि वो उनके अंदर में जाति धर्म नहीं है, सब धर्म को लेकर चलते ललित यादव जी, ठीक है। मैं खुद एक मुस्लिम, गुंडा लोग बताते हैं, देखिए देखिए आप भी वही है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सोशल वर्क इंसान हूँ, मैं जब काम करता हूँ तो कुछ लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठा देते हैं, तो आप ये सोचिए। अच्छा, मतलब काम करने वाले के ऊपर उंगली, हमेशा जो लोग काम करते हैं आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर गलत लोग जो रहते हैं, उनके पास तो कोई काम नहीं है तो उंगली उठा देते हैं। तो इससे ललित यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता और अफसर खान को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपके फर्क पड़ेगा गोपाल जी ठाकुर को। आपके लगभग हजारों चाहने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में आप लोग सभी लोग मतलब एकदम 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 हम लोग दिल से हैं ललित यादव जी के साथ, दिल से। और हमने आने वाले जो हम लोग के सीएम है तेजस्वी यादव, मैंने उनसे भी वादा किया है, ठीक है, वादा भी कर दिए जी कि इंशाल्लाह हमारी पूरी मतलब पूरी मेहनत है। और मैं जनता से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ललित यादव को, और हमारे फातमे साहब भी है, ठीक है, अच्छा, आप उनको अच्छा, भी वोट दे और हजारों से नहीं लाखों से जिताएं। देखिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ मगर सही लोगों का सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ललित यादव को वोट क्यों देना चाहिए लोगों को? क्यों नहीं देना चाहिए आप मुझे ये बताइए, क्यों नहीं देना चाहिए? पहली बात है कि वो इंसानियत का मैसेज देते हैं, ठीक है, वो इंसान ऐसे लोग, मैं उनके साथ बैठा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठा, ठीक है, 2-3 घंटे में इंसान के बारे में समझ में आता है कि कौन इंसान क्या है। मैंने ये देखा कि वो हर धर्म के लोगों को लेके चलते हैं, हर धर्म के लोगों को लेके चलते हैं, और मैंने उनमें कहीं भी जाति पाति नहीं देखा, ठीक है। मैं जब भी उनके साथ में चलता हूँ तो देखते हैं कि वो हर धर्म के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। रहा गोपाल जी ठाकुर का बात, ललित यादव क्या सब बदलाव लाएंगे हम बता रहे हैं, रहा गोपाल जी ठाकुर का बात, तो गोपाल जी ठाकुर साहब 5 साल रहे, ठीक है, आज तक हमने उनको पठानकवे में नहीं देखा। पठानकवे की जनता उनसे पूछना चाहती है किस चीज पे आपको वोट दे, की चीज कभी आया ही नहीं, बस खाली जय श्री राम पे कभी आया ही नहीं कभी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं लगभग घूमता हूँ, मतलब सिर्फ धर्म के नाम पर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भाई धर्म के नाम पे आपका पेट नहीं भर सकता। अच्छा, मतलब यहाँ कभी आया ही नहीं, कभी देखा नहीं आज तक नहीं देखा। लेकिन मैं अपनी बात, लेकिन भाई साहब पठान कभी की नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पूरा गाँव घूमता हूँ, और अल्लाह पाक का करम है कि इस पठान कभी की धरती पे सारे लोग को मैं रिस्पेक्ट और इज्जत देता हूँ, और मुझे भी इज्जत मिलता हो, तो मुझे पता है कि इस पठानकवे में कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। क्या लग रहा है कि ललित यादव जीतने के बाद क्या बदलाव लाएंगे? वो बहुत बदलाव लाएंगे, इलेक्ट्रिक का जो हाल है पूरा, मतलब है ना बिहार का बिल का, इतने लोगों का उल्टा उल्टा बिल आ रहा है। मैंने मेरी स्पेशली उनसे बात हुई है, ठीक है ना, हमारे गांव के लिए, बाकी पूरा जो भी दरभंगा है, मनीगाछी है, सबके लिए बिल जो भी आ रही है उसको है ना ठीक किया जाएगा। एम्स जो ये लोग बैठ के लब्बाकी कर रहे हैं कि एम्स बना देंगे, अरे बनाने मोदी जी आप सिर्फ बोल सकते हैं, मंगल ललित यादव जी पहले काम करके दिखलाते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गोपाल जी ठाकुर सिर्फ एम्स 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 बोलते आ गए, और इंसान अल्लाह ललित यादव जी आएंगे तो 1 साल के 1.5 साल के अंदर में एम्स में हाथ लग जाएगा। अच्छा, एम्स में भी हाथ लग जी, वादा कर रहे हैं? मैं वादा नहीं करता, मैंने जैसे सुना, हमारी बैठ के हुई है हमारे मंत्री जी से बात, मंत्री जी ने बोला कि मैं जो काम गोपाल जी ठाकुर नहीं किए हैं उसको मैं जाके खत्म। और रहा हार जीत का बात, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 20 दिन से मैं हर गांव में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, कहीं मुझे लगी ना कि गोपाल जी ठाकुर के सपोर्टर हैं, और कुछ लोग हैं भी, तो गोपाल जी ठाकुर अगर उनके सामने में आ जाए तो
तो मुझे नहीं लगता कि उनसे सलाम दुआ भी करेंगे, टिकने भी देंगे, एकदम नहीं टिकने देंगे। अच्छा। और जहाँ जा रहा हूँ बच्चा से लेके बुढ़े तक के जवान पे एक ही बात है, ललित यादव, ललित यादव। भाई साहब मोदी जी जब आए थे 1 लाख लोग पहुंच गए कैसे? अरे जी सुनिए ना, सबको पूरे हिंदुस्तान को मालूम है भीड़ कैसे लगती है, 500-600 रुपया देते हैं लेके। भाई गलत बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बगल में मर्तुजापुर है, 2 बस आई है और मेरे सारे इतने सारे लोग हैं। मैंने खुद बोला, अरे बोला अफसर भाई 500 रुपया मिला तो जाने दिए ना, सारा दिन काम करेंगे तो 300 रुपया मिलेगा। मतलब पैसा पे लेके जा रहे हैं क्या लोग? पैसा मोदी जी तो यही अब तक जो है, मोदी जी काम कहाँ किए बताइए ना, बिहार में कहाँ पे काम हुआ? अच्छा किस जगह में काम हुआ? मगर ललित यादव जी ऐसा मर्द है, ऐसा नेता है कि वो जो बोलता है वो किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा, ये हम लोग को भरोसा है। और पठान कवि से हम लोग की यही पूरी कोशिश है, जो भी हमारी पठान कवि की टीम है सारे लोग हैं, देखिए ललित यादव किसी एक के नेता नहीं है, पूरे पठान कवि के नेता हैं, ठीक है। और हम लोग और हम सारे पठान कवि के लोगों से साथ जितने भी है हिंदू मुसलमान सबसे मैं ये गुजारिश करते हैं कि भाई आप लोग ललित यादव को वोट दें और पठान कवि से लीड दें उनको, ठीक है। आज अगर हम लोग लीड देंगे तो कल हो के हम लोग काम लेने का भी हक रखते हैं कि नहीं मेरे गांव से आपको लीड मिला है, सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है, आप मेरे गांव के सारे समाज को हिंदू हो मुसलमान हो सबको देखिए और जो भी उनका काम है उनका काम कीजिए, लोगों को नौकरी दीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो उनको नौकरी दीजिए, गाँव को देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और खास के मेरे दरभंगा की मैं उससे हाथ जोड़ के और दिल से बोलना चाहते हैं कि आप लोग ललित यादव को वोट दिए, एक बार उनको वोट दे के देखिए कि वो अपने वर्ड पे उतरते कि नहीं। मुझे इतना भरोसा है कि ललित यादव जो बोलते हैं वो काम करके दिखलाते हैं। और 13 तारीख को इलेक्शन है हम लोग का यहाँ पे मनीगाछी दरभंगा में, और हमारे मंत्री जी का लमटेन छाप है, नंबर है 3। मैं जितने भी हैं मेरी माँ बहन मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे दोस्त यार, मैं सबको यही बोलना चाहते हैं कि सुबह में उठिए पहले मुंह धोइए एक गिलास पानी पीजिए और पहले वोटिंग कीजिए। ये बताएं कि जो अफसर खान है समाज सेवी हैं, अब देखने की बात है कि अफसर खान की बात जो है कितना सच होता है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि गांव-गांव जो है प्रचार प्रसार ललित यादव कर रहे हैं और गोपाल जी ठाकुर टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ, अगर ये खबर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए।